हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के ट्रेलर के बारे में। और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा सीधा बोलूं तो ये ट्रेलर बॉम्ब था भाई। बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इन्होंने फिर से पूरी मूवी की स्टोरी ट्रेलर में ही रिवील कर दी। डूड, आई रियली हेट इट व्हेन दे डू दिस। अब मैं थिएटर में क्या देखने जाऊं, मोदी जी को? ओके, इनफ विद द फ्रस्ट्रेशन, चलो ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। सो ये ट्रेलर स्टार्ट होता है एक चीजी डायलॉग से। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये बुरा है, बल्कि इस मूवी की टोन को सूट करता है। इनफैक्ट ये पूरा ट्रेलर ऐसे डायलॉग से भरा पड़ा है, और उनमें से कुछ तो इतने जोशीले थे कि मैं छत से कूदने वाला था। वेल, तो ट्रेलर का फर्स्ट हाफ काफी लाइट है, एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि ऋतिक एंड दीपिका इंक्लूडिंग ये 7-8 लोग एक क्विक रिस्पांस टीम का हिस्सा है, जिन्हें अनिल कपूर के कैरेक्टर ने एक दूसरे से बॉन्ड करने के लिए कहा है। बाय द वे, क्विक क्वेश्चन, डजंट ही लुक अ लॉट यंगर देन ही डिड इन एनिमल, और इज इट जस्ट मी? आई मीन, डोंट गेट मी रॉन्ग, इन एनिमल में देखकर मुझे लगा था कि चलो फाइनली इनकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन यहां तो कुछ और ही सीन चालू है। यू नो व्हाट, फॉरगेट इट, मैं हार मानता हूं, ये इंसान अमर है, एंड ऑफ डिस्कशन। एनीवेज, तो जब ये लोग ट्रेलर के फर्स्ट हाफ में बॉन्डिंग कर रहे होते हैं तो हमें काफी सारे अच्छे शॉट्स दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि इस मूवी का VFX भी अच्छा है। बट अब अगर तुम इसे टॉप गन मैवरिक से कंपेयर करोगे तो फिर मैं क्या ही बोलूं, अमेरिका का दलाल बहनचोद। वेल, तो ये ट्रेलर काफी फन टोन को पकड़कर चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक एक ब्लास्ट होता है जिससे इसका पूरा टोन ही चेंज हो जाता है। एंड ब्लास्ट से जस्ट पहले हमें एक लाल आंख वाले कैरेक्टर की एक झलक दिखाई गई, जो कि इस मूवी का मेन विलन है। By the way, ये जो ब्लास्ट हुआ ये पुलवामा अटैक है, और यही वो रीजन है जिसके लिए ये क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई थी। सो आगे मोदी जी कहते हैं कि हम इस अटैक का बदला लेंगे, और दुश्मन के कानों में जाकर कहेंगे। By the way, I like this actor. He exactly sounds like मोदी जी। क्या हो गया, नहीं माने मेरी बात? कोई बात नहीं, तुम खुद ही सुन लो यार। खैर, तो यहाँ से ये ट्रेलर हाइप पकड़ना स्टार्ट करता है विद म्यूजिक एंड डायलॉग्स। एंड डायलॉग के मामले में तो उन्होंने सामने वालों को जो ट्रोल किया है, जैसे वो बाप वाला डायलॉग। बाप कौन है? थैंड आईओबी वाला डायलॉग। इट्स लिटरली लाइक कैरी मिनाटी रोस्टिंग आमिर सिद्दीकी। गुड ओल्ड डेज। वेल, तो यहाँ पर VFX थोड़ा वीक है, और हमें लगता है कि अब ये ट्रेलर इसके ऊपर नहीं जा सकता, तभी ये बंदा वापस आता है और कहता है अब जंग होगी। इसके सिर्फ ये बोलने की देरी थी, और ये ट्रेलर वंदे मातरम की थीम के साथ एक स्टेप और ऊपर चला जाता है, एंड आई फ्रीकिंग लव्ड इट। एंड फिर ये ट्रेलर आगे बढ़ता है थोड़ी और रोस्टिंग के साथ। उसके बाद कुछ रैंडम शॉट्स, एंड ट्रेलर खत्म। अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इवन दो ये ट्रेलर मूवी के बारे में काफी कुछ रिवील कर देता है, फिर भी मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड हूँ। एंड क्योंकि एक मास एंटरटेनर है, तो विदाउट अ डाउट ये मूवी थिएटर्स में धूम मचा देगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।